गुरुद्वारा पट्ठा साहब विखे पहुँच चुके हैं जिथे साबका मैंबर पार्लीमेंट आनंदपुर साहब प्रेम सिंह चंदू माजरा वालों एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि ये खुलासे होंगे क्योंकि एकदम चंदूमाजरा साहब ने फैसला लिया कि अज पट्ठा साहब गई फटाफट प्रेस में बुलाया जाए तो उन्होंने कोई अहम जानकारी देने वास्ते असं पहुँच चुके हैं पट्ठा साहब तो आओ चलते हैं अंदर की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के होगी बहुत बड़े को खुलासे करेंगे चंदूमाजरा साहब आओ देख लें पहले इन्हों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब सरकार वालों जिहड़ा स्पैशल सैशन सद्या गया इस वेल दे मुद्दे ते मैं समझदा ये सिर्फ ड्रामेबाजी आ, ये कोई भी सार्थक नतीजे नहीं कढ़ सकेगा। सैशन विधानसभा दा सद्दण तों पहला पंजाबियों की एक सुरता तैयार करन दी लोड़ सी और एक रणनीति तैयार करन दी लोड़ सी। मैं समझदा सर पार्टी मीटिंग बुला के पहला पंजाबियों नूं एकजुट करन दी लोड़ सी। पहला तां घर च अग ला के जिवें कहिंदे अग लाई डब्बू कंधे वाली गल कीती, पहला तां बहस छेड़ के विवाद खड़े करके पंजाबियों विच फुट दे बीज बीज के मुख्यमंत्री साहब आप पंजाब तों बाहर चले गए। ते हुण विधानसभा दा सैशन केवल मेहनों मेहनी तानेबाजी तों बगैर होर कुछ नहीं कढ सकेगा। ये साडी बदकिस्मती आ पंजाब दी। और मैं समझदा जिस तरीके नाल मुख्यमंत्री साहब ने बगानियां नाल बहस करन दी थां यानी जिन्होंने पानी ते डाका मारिया जिन्होंने साडे हक खोए उन्हां बारे एक शब्द भी नहीं बोले मुख्यमंत्री साहब अज तक। ते पंजाबियों नाल लड़ाई विढ ली, मतलब पंजाबियों नाल लड़ाई विढ़ण दी थां दिल्ली नाल लड़ाई विढ़ण दी लोड़ सी। जिन्हां ने पानी साडा गैर कानूनी ढंग नाल गैर परंपरा नाल गैर मानतावां नाल होया लड़ाई तां मैं समझदा केंद्र वालों भेजे सर्वेखण टीमां दे विरोध करन लई तैयारी करदी सी। श्रोमणी अकाली दल पहलां तों कहिंदा आ रिहा कि पंजाब इह जिहड़ा पंजाब दे पाणी दे डाका वी बचिआ उहदे लई वी मैं समझदा किते ना किते पंजाब ते चले कुहाड़े दा दस्ता किसे ना किसे पंजाब दी धिर नूं बणाया गिआ। अज वी उही खेड खेडी जा रही आ और इक साजिश दे तहत इह सारा कुछ हो रिहा। एक गिनी मिथी सोच के मुताबिक गिनी मिथी साजिश के तहत पंजाबियों नूं दुफाड़ किया जा रहा। पंजाब के लोग हुण वो खेड खेडन नहीं देंगे और श्रोमणी अकाली दल इस गल का हमेशा मुद्दई रहेगा कि पंजाब के हकों की राखी लई पंजाबियों नूं एकजुट होना चाहिए, एक सुरता दिखानी चाहिए, एक मुठता दिखानी चाहिए और इस नाल ही असीं पंजाब नाल हो रहे धक्के ते अन्याय नूं रोक सकेंगे। पहला तो डिबेट लई ड्रामा स्टेज तैयार रख तय करना ही शो करता कि वह ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मतलब टैगोर थिएटर जिथे ड्रामे होंगे ने ड्रामिया की स्टेज आ उत्थे वह थान चुन के ही मुख्यमंत्री साहब ने यह संकेत दिता कि केवल तो केवल यह डिबेट एक ड्रामेबाजी होगी। अकाली दल बेलोड़ी बहस के किसी कीमत पर शामिल नहीं होगा। ये बेलोड़ी बहस आ, ये केवल तूतबाजी तानेबाजी वाली बहस आ। ये किसी तरह भी मतलब पानी नू रिड़ के कि मक्खन निकलना ये पानी च मधाणी मारन वाली गल आ। जिहड़ी टैगोर थिएटर ते बहस का थां चुनिया ये केवल तो केवल पानी च मधाणी पाउण वाली गल आ। पानी से मधानी कदे पा के मक्खन नहीं कर सकते। जे मुख्यमंत्री साहब संजीदा होंगे गंभीर होंगे तो मतलब सर्वसांझी कोई राय तैयार करते तो उसके लिए आल पार्टी मीटिंग बुला के सारिया पार्टियां की राय जान के कंसेंसस तैयार करने की लोड़ सी जिहड़ी कीती नहीं गई। और इहदे पिछे एक साजिश आ, इहदे पिछे दिल्ली खेड खेड रही आ और उहदा मोहरा साडे मुख्यमंत्री साहब बन रहे। ये केजरीवाल के मोहरे बन के ही साहब भगवंत सिंह मान पंजाबियों नाल लड़ाई विढ़ी बैठे ने। लड़ाई तो दिल्ली वाले नाल सी, लड़ाई पंजाबियों नाल विढ़ के बैठ गए। मुख्यमंत्री साहब ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग तो बाहर निकल के एक शब्द भी पानी के लुटण वाले विरुद्ध नहीं बोलिया, केवल तो केवल पंजाब दी सियासी धिरां दे विरुद्ध बोलिया। ये साबित करता कि जी लड़ाई का रुख आ ये पंजाबियों नाल लड़ाई पाउण वाला ना के जिन्होंने पानी लुटिया उन्होंने विरुद्ध। पहली गल तो मुख्यमंत्री साहब ट्वीट करन दे माहर ने, ट्वीट वार दे माहर ने, ट्वीट करन तो बाद होर कुछ नहीं करते। जदों बीबीएमपी ते कंट्रोल साडा खोया
उदो केवल ट्वीट करके ही विरोध जाहिर किया। जदों चंडीगढ़ के मुलाजमान को यूटी कैडर डिकलेयर किया उदो केवल ट्वीट करके विरोध जाहिर किया। होर तो होर जदों RDF पंजाब की 3% खत्म करके 0% लिया दी, कोई भी मंत्री नहीं मिलन गया केंद्र से, कोई मुख्यमंत्री साहब नहीं गए आप मिलन, मतलब कोई डेलीगेशन नहीं गया अधिकारियों का केंद्र के कोल अपना केस रखन, केवल तो केवल ट्वीट करके विरोध किया। ये ट्वीट के माहर ने असं दसना चाहते हाँ कि जिहड़ा पानी का बंटवारा होया, पानी की वंड हुई है जिहड़ी गैर परंपरा तरीके हुई है, गैर कानूनी तरीके हुई है, वह एमरजेंसी के दिनों 1976 के हुई है। 1976 जिहड़ा पानी वंडिया उदों तां सब प्रकाश सिंह बादल जेल दे भी सी, उदों बादल साहब कित्थों आ गए मुख्यमंत्री साहब नूं इतिहास देखना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए कि पानी की वंड जिहड़ा पानी की वंड का फैसला जिहड़ा 3.5 MAF हरियाणे नूं 3.5 MAF पंजाब नूं अद्धो अद्ध पानी वंडिया, ते अद्धा पानी पहले ही राजस्थान नूं दे चुके सी 1955 दे विच। इह जिहड़ा धक्का होया उस समय तो बादल साहब जेल के पिछे अकालियों दोषी ठहराना सरासर गलत आ। दूजी गल जिहड़ा ये फैसला होया पंजाब का इको एक मुख्यमंत्री है साहब प्रकाश सिंह बादल उस समय का, जिन्हें 78 के आन के जी रीओरगनाइजेशन एक्ट की धारा 78 आनू चैलेंज किया। मतलब जे बादल साहब सहमति दिंदे तो सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज क्यों करते, चैलेंज करना तो इको एक मुख्यमंत्री मुड़ के किसी मुख्यमंत्री ने चैलेंज नहीं की, तो जी चैलेंज की पटीशन जो वापस ली तो सर दरबारा सिंह ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने वापस ली, तो अकालिया ने तो दोषी ठहराना सरासर गलत आ। अकालिया ने जेलां कटिया, अकालिया ने बाहां तराइया, अकालिया ने सिर पुराए, तो अकाली ये दोषी कितों हो सकते हैं, ये सरासर गलत आ। निशाना बनाया ये केवल दिल्ली की खेड खेड रहे हैं, विरोधियों की खेड खेड रहे हैं, विरोधियों की गोदी च बैठ के विरोधियों को फायदा कर रहे हैं। अज बहस ज दूषणबाजी जी सी केंद्र के बुद्ध लाने की लोड़ सी कि किस तरह गैर ओपीनियन मतलब स्टेट जी पानी साथों खोखल जा सकती है, ये तथ दसन की लोड़ सी। जिहड़ा ओपीनियन ला के अनुसार पानी नहीं दिता गया, धक्का होया, वो तो लॉजिकली लड़ाई लड़न की लोड़ सी। परंपरागत तरीके अज तक जिन्नियां पानी की वंड हुई है वह दसन की लोड़ सी। अज मुख्यमंत्री साहब वालों केवल तो केवल अकालिया निशाना बनाना, मतलब विरोधी धिरों निशाना बनाना, यह साबित करता कि वह अज भी मतलब दिल्ली की खेड खेड रहे हैं। मान साहब को असं पूछना चाहते हैं मीडिया के राही भी वह शिकार नाल ने कि शिकारी नाल ने, अज दिल्ली के खेड खेड के पंजाबियों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ के पंजाब के हकों की लड़ाई को कमजोर कर लगे हुए ने कि साजिश देता है। तो मैं असं इस गल से पूरा सानू विश्वास आ कि पंजाब के पानिया के विरोध के एक फैसला ना होंदा जे पंजाब की गर्दन से चले कुहाड़े का रास्ता साढ़े अपने विचों कोई ना बनता। अज भी असं कहना चाहते हाँ जे अज पंजाब नू बचाउणा, पंजाब का पानी बचाउणा, पंजाब के हकों ते राखी करनी आ, तां सारे मतभेद भुला के एक दूजे ते दुश्मनी देण दी थां एक दूजे नू दोषी ठहराउण दी थां जिन्हां ने डाका मारिया उन्हां नू दोषियां दे कटहरे च खड़ा करन दी लोड़ आ। और अज लोड़ आ पंजाब दी इक सुरता बनाउण दी, अज लोड़ आ पंजाब नू इकजुट करन दी, अज लोड़ आ पंजाब नू इक मंच ते इकट्ठा करन दी। और अज जे पंजाब फिर आपसी लड़ाई झगड़े विच वंडिया गया तो मैं समझदा जिन्हां ने पंजाब दे हक खोहे ने वो कामयाब होंगे। हाँ जी।